प्रदेश समेत बिहार में भी एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मांझी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में जीतन राम मांझी ने लिखा है कि मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले एक सप्ताह में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं अथवा मैं उनसे मिला हूं, उनसे आग्रह है कि वह अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। बता दें कि रविवार को जीतन राम मांझी ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी की बैठक की थी और इसमें करीब 140 नेता शामिल हुए थे। वही हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बताया कि मांझी जी ने पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि उन्होंने आरटीपीसीआर भी करा ली थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्होंने बैठक में भाग लिया था। रात में जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई तो वह पॉजिटिव निकले। आपको बता दें कि राज्य भर में रविवार को 500 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई जबकि इस बीमारी से 5 और लोगों की मौत हो गई है। सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,43,248 जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,321 हो गई। वही सूबे में 5,189 एक्टिव मरीज हैं।